सर मैं कमी, थैंक आइए आइए यू सर। नमस्ते मैम, नमस्ते सर, नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। यस जी यस का पर्यायवाची क्या होता है? सर, यश का पर्यायवाची कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपकी प्रसिद्धि, कीर्ति, यश बड़ा है? कोई ऐसा दिन आया जीवन में? सर मैंने एक दो बार सर ऐसा मौका आया है जहाँ कुछ प्रसिद्धि मिली है। सर मैं जब न्यायिक विभाग में कार्य किया था तब सर मैं तालुका विधिक सेवा समिति का सचिव था, तो वहाँ पर सर जिले में मैंने अपने तालुका में सबसे ज़्यादा जागरूकता शिविरों का आयोजन करवाया था। पुरस्कार मिला था? जी सर। तो आपको लगा कि ये तारी तो ख्याति बढ़ रही है? जी सर। फिर आपने और उससे फायदा हुआ था कि भाई और आगे काम करें? जी सर, फायदा हुआ था। इसके पश्चात मैं सर अभी जो वर्तमान जॉब में हूँ, सूचना सहायक, वहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो सर उसमें चूंकि हमारा जो ब्लॉक है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा ब्लॉक है और जो बांसवाड़ा जिला है सर, इन योजनाओं में अभी टॉप 10 में चल रहा है। उसमें अर्थुना क्यों प्रसिद्ध है? सर अर्थुना सर ये परमारों की राजधानी रहा था, यहाँ परमार वंश ने शासन किया है सर। राजस्थान में परमार कहाँ कहाँ थे? सर परमार आबू में थे, मालवा में भी परमार थे। बांसवाड़ा को यदि धौलपुर में बात की जाए, धौलपुर में कुछ व्यक्ति बैठ के बात करें कि यार वो तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जी सर, लेकिन जब कोई बांसवाड़ा की यात्रा पे जाए तो फिर कहते हैं तो कश्मीर है, जी सर, नदी है, पहाड़ है, झील है, जी सर, ठीक है ना। अच्छा, माइंस भी है वहां पर? माइंस सर ज्यादा तो नहीं है, कुछ पत्थरों की खदानें हैं। पत्थर ही तो माइंस होते हैं? हाँ जी सर। बहुत अमूल्य चीज है ये तो। जी सर। यहाँ कोई सोने का ही है क्या कुछ? सोने सर खोज की गई है सोने की सर, पर वर्तमान में जो उसका खनन है वो भी चालू नहीं किया सर। यदि आप संयोग से भारत के परिवहन मंत्री हो, जी सर, तो आप अपने बांसवाड़ा को क्या देना चाहोगे? सर अभी मुख्यतः जिस एरिया में सर बांसवाड़ा जिला पिछड़ रहा है वो कनेक्टिविटी का इश्यू है। वहाँ पर रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे जो कच्चे माल की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं की जा रही, इसलिए उद्योग भी नहीं पनप पा रहे। दूसरी चीज सर, सड़कों को बेहतर करना चाहूँगा और जिससे वहाँ का जो पर्यटन है वो भी। यहाँ ये बताइए, विकास तो देखो बहुत सारी चीजों से होता है, जी सर, लेकिन यदि यहाँ के व्यक्ति विकास नहीं चाहते हो, ये भी हो सकता है, जी सर, यहाँ का जो समाज है बांसवाड़ा का, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, जी सर, ये किस प्रकार का समाज है, प्रगतिशील या परंपरागत? सर ये परंपरागत भी है और कुछ मायनों में प्रगतिशील भी है, जैसे कि वहाँ पे मुख्यतः ट्राइबल सोसाइटी पाई जाती है, तो सर वहाँ देखने में आया कि जैसे जो कुप्रथाएं हैं वो ट्राइबल सोसाइटी में कम पाई जाती है, तो इस प्रकार कह सकते हैं प्रगतिशील भी है। वो प्रथा कौन सी है, जब कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, फिर उसको सड़क पर रख देते हैं, दाह संस्कार नहीं करते हैं? जी सर। क्या कहलाती है वो? सर मोताण। क्या है ये? सर ये रक्त मूल्य है। अच्छा, जिसे रक्त मूल्य के रूप में वसूला जाता है सर। तो ये सरकार की दृष्टि से इस पर रोक लगा रखी या फिर इसको देख के ठीक है भाई इनका तो समाज के रीति रिवाज जारी रखो? नहीं सर, राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस ओर कार्य कर रहा है और लोगों से समझाइश भी की जा रही है, शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है कि ताकि इसका उन्मूलन किया जा। तो ये सर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है? जी सर। आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्या महत्व देखते हो आप? सर सिविल सेवाओं में एग्रीकल्चर का सर बहुत बड़ा योगदान दिया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे समाज की मुख्य इकाई भी कृषि है, तो मैं यदि सिविल सेवा में जाता हूँ तो मैं वहाँ के किसानों को सर बता सकता हूँ कि किस भूमि के लिए किस इरिगेशन मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ योजनाएं हैं कृषि से संबंधित उनके बारे में जानकारी दे सकता हूँ, कौन सी मृदा के लिए कौन सी कृषि करनी चाहिए, या कृषि के संबंध में मैं अपने इनपुट दे सकता हूँ सर समाज के लिए। जैसे हमें कुछ योजनाओं के बारे में बताओ जो कृषि के बारे में है, जिसे आप गांव वालों को बताना चाहते हो।
हम सब लोग गांव वाले हैं और आपसे जानना चाहते हैं भाई। एक तो सर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताना चाहूँगा। यदि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का किसान हमारे यदि फायदा उठाते हैं तो उन्हें ये पता चलेगा कि किस मृदा के लिए कौन सी कृषि को अडॉप्ट करना चाहिए, तो ये उनकी आय में भी नहीं नहीं वृद्धि। आप जैसे हम किसान हैं अब हमको समझाओ जी सर, तो ये एक तो तो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसके पश्चात सर तो जो कहाँ बनाएंगे कैसे उसको, ये तो आपने बता दिया लेकिन मोटी दिक्कत तो ये है ना कि हम कैसे यूज करेंगे उसी स्कीम का। सर उसके लिए जो मृदा का सैंपल है वो सर वहाँ भिजवाना होगा लेबोरेटरी में। कौन किसान? जी सर। चलिए और दूसरी स्कीम। और सर मुख्यमंत्री जो बीज स्वावलंबन योजना है, इसके बाद सर जो बीज मिनी किट वितरित किए जा रहे हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व तो जो मिनी किट है सर, इस बारे में जानकारी दी जा सकती है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी बता जी सर, इस सकते, बारे में भी जानकारी दी क्या जा है सकती ये? है। सर ये फसल बीमा है जिसमें संपूर्ण कवरेज, जो कृषि में जिस भी प्रकार का जो भी नुकसान होता है संपूर्ण कवरेज इसमें सर इस योजना के तहत कवर किया गया है। तो इसका प्रीमियम कौन देता है? प्रीमियम सर मुझे सर एग्जैक्ट याद नहीं, पर केंद्र सरकार की सर है। कैसे कोई फसल खराब हो जाएगी तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? सर मूल्यांकन का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर सर जो अभी वर्तमान में मूल्यांकन इसका जो फील्ड में सर जो कृषि पर्यवेक्षक कार्यरत रहे हैं और जो पटवारी है नहीं कोई उनको। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी तो होगी ना, ऐसे थोड़ी अनुमान से कर देंगे। सर मैं अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा कोई सर। बात नहीं। इस समय आप देख रहे होंगे अनुच्छेद 341 बहुत चर्चा में है। जी सर। 341 के बारे में सुने हैं? क्या चर्चा चल रही है इस समय? जी सर सुना है, पर सर के जी अभी। बालाकृष्णन को एक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जी सर। पूर्व मुख्य न्यायाधीश। जी सर। कुछ याद आ रहा है? सॉरी सर मैं भी जानकारी नहीं सर। जानकारी नहीं। एक चीज ये होता है कि जो अनुसूचित जाति होती है, जी सर। ठीक है, उनको रिजर्वेशन अनुसूचित जाति का केवल तब मिलेगा कि जब वो सिख धर्म या बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म के हैं, तभी उनको दिया जाएगा। लेकिन जो बहुत से अनुसूचित जाति के लोग होते हैं वो कन्वर्ट कर जाते हैं मुस्लिम में या ईसाई में, तो उनको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। क्या रीजन है ये? इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान में रखने का क्या प्रावधान था, क्यों रखा गया? सर इसका एक कारण हो सकता है कि धर्मांतरण को रोका जा सके। जी धर्मांतरण को रोका जा सके? भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अपनी इच्छा है, आप जो धर्म चाहिए उसमें जाइए, जो मानिए। सर, ऐसा ट्राइबल क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि जहाँ आदिवासी जो लोग हैं उनको सर आर्थिक वो लालच दे के सर क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया क्या जाता। क्रिश्चियन में और मुस्लिम धर्म में क्या जाति प्रथा पाई जाती है? सर नहीं। तो भारत में जो ये रिजर्वेशन दिया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, जी ये सर। दिया गया कि बरसों से सामाजिक रूप से ये क्या रखा गया, इनको अलग रखा गया, जी इनको सर। जो शिक्षा का अधिकार था, जी सर। जो मुख्य धारा में आने का अधिकार था, उससे वंचित रखा गया। जी सर। तो इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनको दिया गया। जी सर। तो क्या जैसे ही वो ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं, वो जो बहिष्कार होता है, जो बहिष्कार रहा है इनका, क्या वो समाप्त हो जाता है? जी सर, इसी के लिए एक जहाँ तक मुझे पता है एक आयोग का गठन किया गया सर जो इस मामले की जांच करेगा। ठीक। यश जी मैम। आप शिक्षा मंत्री हैं और आपके पास अधिकार है शिक्षा नीति बनाने का या उसमें सुधार करने का। कौन से दो सुधार आप करना चाहेंगे शिक्षा नीति में? एक तो मैम मैं ई एडुकेशन को थोड़ा बढ़ावा देना चाहूंगा। वो तो बढ़ा हुआ है, एजुकेशन तो ऑलरेडी जब से कोरोना आया ये एजुकेशन का तो अपने आप में बहुत महत्व आ गया और बढ़ भी गया। क्या सुधार कि मैम ये कमी है और इसको सुधारना चाहूंगा। मैं आई एम आस्किंग दिस। मैं चाहूँगा कि इसमें जो शिक्षकों के पद खाली हैं वो पद खाली नहीं रहे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव पाया जाता है वो प्रॉपर जो सुविधा है वो रहे। आप आपके क्षेत्र में कहीं आप SDM हैं और आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, जी मैम। सारी कृषि जो है वो खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है। अभी क्या करना होगा उसको दोबारा से उसी स्तर पर लाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? इसके लिए मैम अगर यदि बाढ़ के कारण यदि कृषि नष्ट हो गई है तो सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उन लोगों को जो भी मुआवजा दिला सकूं ताकि वो उनको जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके।
साथ ही मैम यदि उनको वापस उस स्तर पर लाना है तो कुछ जो योजनाएं चल रही है राज्य सरकार की। आपकी हॉबी सस्पेंस हिंदी मूवी। जी सर। कौन सी मूवी है लास्ट जो आपने देखी हो? सर अभी दृश्यम देखी थी। दृश्यम? जी सर। क्या सस्पेंस था उसमें? सर बेसिकली सर ये बताया गया है कि एक चौथी फेल व्यक्ति होता है, उसके सर परिवार पे कुछ आ जाती है, तो वो अपने परिवार की किस तरह रक्षा करता है और ये बारे में बताएगा। स्थानीय आटा नृत्य। जी सर। ये कौन सा नृत्य है आट्या? सर आट्या बांसवाड़ा का सर जहाँ लोकल नृत्य है। हाँ। जहाँ पे सर जो ये जो गैर नृत्य है और जो गुजरात का जो टिमली नृत्य है उसके मिश्रण के रूप में इसे देखा जाता है। आप देखते हो या करते हो? सर करते भी। आप करके बता सकते हैं? जी सर बता सकते हैं। बिल्कुल बताइए इसको किस तरह करते हैं, क्या है? सर इसमें जो बीच में ढोल बजाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और इसके चारों तरफ करते हैं। आप कुर्सी को बीच में इधर उधर कर लीजिए, बस करिए आराम से। जी सर। इस तरीके से। तो क्या ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है या महिलाओं के द्वारा? सर दोनों के। दोनों के। जी थैंक यू।